So, welcome guys, आप देख रहे हैं Vehicles 2.0। ओए guys, देखो, KTM के अगर सबसे ज्यादा पावरफुल नेकर बाइक के बारे में बात की जाए तो फिर वहाँ पर नाम आता है 1290 Super Duke R का। यार एक्सेलरेशन के मामले में ये वाला मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि यहाँ तक कि निंजा स्टो आर को भी हरा चुका है। खैर यार देखो, माना या ना माना ये तो आपके ऊपर है। यार आपके KTM ने 892 एंड 1292 के अंदर जो गैप था वो पूरा कर दिया है। आई मीन कि KTM ने फाइनली अपनी 992 को रिवील कर दिया है। जो आप ये स्क्रीन पर बाइक देख रहे हो यही है KTM की 992 की। देखो फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फिर आगे से ये वाली बाइक कुछ ऐसी दिखती है। वैसे गाइस देखो, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, पर यार मुझे ये बाइक इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं लगी। अगर साइड से देखो तो फिर ये वाली बाइक काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यार इसकी फ्रंट हेडलाइट आपको किसी लगे एक बार कमेंट्स में जरूर बता देना। तो देखो इस बाइक में आपको मिलते हैं 973 सीसी के लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन। यार मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं 123 bhp की पावर एंड 103 Nm तक कट ऑफ। वैसे अगर देखा जाए तो इस बाइक में आपको पावर की कोई भी कमी नहीं है। देखो ये वाली बाइक टोटल दो कलर में लॉन्च हुई है। एक है ऑरेंज कलर जो की KTM का ऑफिशियल कलर है, दूसरा वाला है ब्लैक एंड ऑरेंज कलर जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो बाकी अगर हम इस बाइक के फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो इस बाइक में आपको मिलता है फुली एलईडी लाइट्स का सिस्टम एंड उसके साथ यूएसबी टाइप चार्जर जो कि आप अपने फोन में इस बाइक से चार्ज कर सकते हो। बाकी यार इस बाइक में आपको मिलता है 5 inch का फुली डिजिटल TFT मीटर कंसोल। इसमें आपको 5 अलग अलग राइडिंग मोड्स मिलते हैं, लाइक जैसे कि रेन मोड, स्पीड, स्पोर्ट, स्टैंडर्ड एंड परफॉर्मेंस। बाकी यार स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में डेफिनेटली मिलने वाले। और देखो अभी तक KTM इस बाइक की प्राइस रिवील नहीं की है। अगले 2-3 साल तो ये वाली बाइक इंडिया के अंदर आने से रही। यार जब भी ये बाइक इंडिया के अंदर आएगी तो इसकी एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्राइस 11 लाख तक रह सकती है।